हेलो फ्रेंड्स, अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बन रही साल की सबसे मच अवेटेड फिल्म गदर 2 का हो गया है ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज। तो कैसा है ये ट्रेलर और कैसी हो सकती है फिल्म की स्टोरी, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। पहले पार्ट में हैंडपंप उखाड़ने के बाद इस बार सनी पाजी हथौड़ा चलाते और पहिया घुमाते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस इस ट्रेलर को काफी ज्यादा पसंद भी कर रही है। अब बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सनी पाजी पिछले पार्ट में अपनी पत्नी सकीना के लिए पाकिस्तान गए थे, लेकिन इस बार सनी पाजी अपने बेटे चरणजीत के लिए पाकिस्तान की सेना से भिड़ने वाले हैं। तो वहीं उत्कर्ष शर्मा इस बार एक सैनिक के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा ट्रेलर देखने से पता चलता है कि इस फिल्म में इमोशंस, एक्शन और जबरदस्त फाइट का तड़का मारा गया है और इस बार स्टोरी तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी और ये स्टोरी 1917 भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान की दिखाई जाएगी, जहां सनी पाजी एक नहीं बल्कि दो बड़े बड़े विलन मनीष वधवा और रोहित चौधरी का सामना करते नजर आएंगे। तो ओवरऑल ये ट्रेलर काफी बेहतरीन लगा है, क्योंकि इस ट्रेलर में वो सब कुछ देखने को मिला है कि जो कि एक बेहतर फिल्म में देखने को मिलनी चाहिए। अब बात करें फिल्म के बजट और स्टार कास्ट की, तो 100 करोड़ के भारी बजट से बन रही इस फिल्म में ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा का कहना है कि पुराने स्टार कास्ट से ऑडियंस काफी अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी। वैसे अगर आप लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मूवी रिलीज होते ही मूवी का लिंक अपने आने वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसे क्लिक करके आप आसानी से अपने फोन में देख पाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।